हाटा बाजार से लेफ्ट मारेंगे वहाँ भी मिल सकता है। हाटा बाजार जो दुकान दिख रही है क्या, कोई परचून दुकान? परचून की दुकान देखो, परचून किसको कहते हैं बाबा? किराने की, प्रोविजन किराने की। नारियल लेना है यहाँ पे मिल सकता है, अच्छी है मिठाई, मिठाई अंगूर सब है भाई। परचून आगे, परचून आगे आगे बोरा। हाटा बाजार से लेफ्ट मारेंगे वहाँ भी मिल सकता है। हाटा बाजार ले लो पापा, पेठा ही ले लो। पेठा पेठा बेच रहे ना उधर, समोसे के नीचे पेठा बेच रहे हैं। ये यहाँ से लेना है? यही यही तो है यहाँ का मीठा पानी। मेहमान को आते ही मीठा पानी देते हैं, पेठा देते हैं पहले। ये वाला पेठा, ये पेठा और पानी पीना पड़ता है। ये अच्छा नहीं है, इसमें मक्खी नहीं मिन मिना रही ना। बढ़िया पेठा नहीं है, जिसपे मक्खी नहीं मिन रही, वो टेस्टी नहीं है मतलब। हाँ मम्मी, पापा को फोन करूँ क्या, टेस्ट करके लाए मिठाई, खराब ना हो। मैं जाऊँ क्या? हाँ जा, चक्के ले आओ। चक्के लाते कहाँ गए पापा? कहाँ पापा गए, कहाँ है? लेकिन मिठाई की दुकान पे गए, गायब हो गए, गायब हो गए पापा। तो पीछे फ्रूट की दुकान पे सोच रहे हैं कुछ, सोच रहे हैं कैंडी की तरह कुछ सोच रहे हैं कैंडी की तरह। मम्मी देख के ना भूख सी लग रही है, चाट भंडार तो खा लो कुछ बेटा, आगे ले लेंगे चाट भंडार। यहाँ से ना मम्मी गला खराब ना हो जाए, यही डर है बेटा, ये थोड़ा डर है ना मेरे को, पानी का डर है। और सच्ची में है ये मेरे को, मैं तो खा लूंगी, उसके बाद जो होगा वही, बस तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए ना। वो देखो वो छोटा बच्चा समोसे के लिए कैसा रो रहा है, समोसा दे दिया उसके बाद क्यों रो रहा है मम्मी? बच्चे है ना, समोसा तो हाथ में है उस बच्चे के, फिर भी रो रहा है। और माँ पानी पी रही है ना मग्गे से, बच्चा उठा रही है। सबके घर घर में बाई, उसका समोसा उससे छूट नहीं रहा है, लेकिन बाय बाय कर रहा है, बच्चा बहुत प्यारा है। पापा कहाँ है भाई, कुछ खाने को ले आऊँ क्या? संभावना ने नमकीन बिस्किट ले लिया रास्ते से, पापा पता नहीं कहाँ खो गए हैं, कहाँ चले गए, यहीं उतरे थे। यार बहुत भूख लग रही है मेरे को, इससे मेरा अब होगा नहीं। ओके, सामने दूल्हा घर है, वहाँ दूल्हा मिलता है क्या? ये गेहूँ है। ये वही पोखर है ना, सूख गई? सूखी नहीं, पानी है वो, ऊपर काई है ना, इसलिए पता नहीं लगता। इसी पोखर की चुड़ैल की कहानियाँ फेमस है ना, यही अन्ना आदि और प्रतीक को सुनाता हूँ। इस पोखर में चुड़ैल रहती थी, गोबर गोबर इसी से डराया हुआ है, गोबर शुरू हो गई। उपले बना के रखे, इस उपले का क्या करेंगे अभी हम? चूल्हे में जलाते हैं ना। अच्छा, जय आ गया अविनाश। सच अ ब्यूटीफुल विलेज ना, कितना खूबसूरत गाँव, खूबसूरत गाँव, बिल्कुल गाँव जैसा गाँव है। वो हमारी कुलदेवी, कुलदेवी का मंदिर, कुलदेवी का मंदिर। तो जिनके जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे, वो हमें यहीं पे मंदिर दिख गया है। सबसे अच्छी चीज है कि हमारा गांव आज भी गांव जैसा है, शहर नहीं बना, टिपिकल गांव। वो अपना घर है और ये हमारा घर है जहाँ फिलहाल कोई नहीं रहता, इसलिए ऐसे सुनसान पड़ा हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि अभी यहीं रुको, वो कुछ पूजा वूजा होगी गाड़ी से करने। अच्छा मम्मी, एक बार आप हमें वीडियो कॉल पे घर दिखाई थी, यही था वाला। हम आ जाए बाहर, इनको भी उतारूं।